बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की जो अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उससे पहले आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना, तो उसके लिए आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। फ्रेंड्स, इसके लिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरावली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोयना। इसके लिए राइट आंसर आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दामोदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुज्जो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पाक बघियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी चिनाब। फ्रेंड्स, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चिनाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, कौन सी है वह नदी सबसे बड़ी भारत में? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंगा। भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ऑप्शन ए 2.11%, ऑप्शन बी 2.82%, ऑप्शन सी 1.9%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.82%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी वूलर, ऑप्शन डी डल। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वूलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील वूलर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश।
तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी डल झील। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन ए वर्षा सबाना, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी कांटेदार, ऑप्शन डी झाड़ियां। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पतझड़ वन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जून सितंबर में, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी में, ऑप्शन डी मार्च मई में। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में। भारत के कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1999 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मॉपसिनराम, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इन सब का राइट आंसर आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉपसिनराम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। फ्रेंड इसके राइट आंसर आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन सी के एम मुंशी। भारत के वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है इसके जन्मदाता के एम मुंशी जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नागपुर। इसके लिए राइट आंसर आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है।